मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। रेमंड एक ऐसा ब्रांड जो हर कोई पहनता है और हर कोई पहनने की इच्छा भी रखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं रेमंड के मालिक सिंघानिया 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी आज सड़क पर हैं। जानकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। करीब 3,000 करोड़ की इस रेमंड कंपनी को शुरू करने वाले विजयपत सिंघानिया ने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी। कपड़ों की दिग्गज कंपनी और 2 दशक तक देश के पुरुषों का ड्रेस तय करने वाले रेमंड लिमिटेड के संस्थापक इन दिनों अपने बेटे के आगे बेबस हो गए हैं। करीब 3,000 करोड़ की इस रेमंड कंपनी को शुरू करने वाले विजयपत सिंघानिया अपनी सारी जायदाद बेटे के नाम कर चुके हैं। अब सिंघानिया का आरोप है कि वे बेटे और रेमंड के मालिक गौतम सिंघानिया के कारण मोहताज हो गए हैं। रिटायरमेंट के बाद विजयपत मुंबई की ही ग्रेट पराडी सोसाइटी में किराए पर रह रहे हैं। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मारावार हिल्स स्थित 36 मंजिला जेके हाउस में हिस्सा मांगा है। उनके वकील दिनेर मेडन ने कहा है, सिंघानिया ने रेमंड में 1,000 करोड़ रुपए के शेयर अपने बेटे के नाम कर दिए। अब उनके बेटे ने उन्हें कौड़ी कौड़ी का मोहताज बना दिया है, यहां तक कि गाड़ी और ड्राइवर छीन लिया है। वे पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस गिरीश कुलकर्णी ने कहा, ऐसे मामले बातचीत से सुलझाने चाहिए। इस पर दोनों पक्षों के वकील बातचीत करने पर राजी हो गए हैं। हालांकि कोर्ट ने सिंघानिया की याचिका पर रेमंड से 18 अगस्त तक जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। 1960 में 14 मंजिल जेके हाउस बना था। 4 डुप्लेक्स रेमंड की सहायक कंपनी पश्मीना होल्डिंग्स को दिए गए थे। 2007 में कंपनी ने फिर से काम शुरू करवाया। करार के हिसाब से विजयपत और उनके बेटे गौतम, विजयपत के स्वर्गीय भाई अजयपत की पत्नी वीना देवी और उनके बेटे अनंत और अक्षयपत को अलग अलग 5,185 वर्ग फीट का डुप्लेक्स मिलना था। इसके लिए सभी वर्गों ने अलग अलग तरीके से अपनी याचिकाएं भी दायर की हैं। विजयपत सिंघानिया की पूरी कहानी आपको बताते हैं। ऐसे हैं विजयपत सिंघानिया। 19 दिसंबर 2005 से 18 दिसंबर 2006 तक मुंबई में मानद मेयर वो रह चुके हैं। 67 साल की उम्र में सर्वाधिक ऊंचाई पर हॉट एयर बलून में उन्होंने उड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। 5,000 घंटे से ज्यादा उड़ान का उनका अनुभव रहा है। पद्म भूषण से अलंकृत हैं। 1998 में ब्रिटेन से भारत तक सोलो माइक्रोलाइट उड़ान का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। 1994 में 24 दिन में 34,000 किलोमीटर की दूरी की उड़ान उन्होंने पूरी की थी। एयरफोर्स ने मानद एयर कॉमोडोर का रैंक भी उन्हें दिया है, लेकिन आज उनके बेटों ने ही उन्हें सम्मान नहीं दिया है। उस सम्मान के मोहताज हैं, कौड़ी कौड़ी के मोहताज हैं रेमंड के संस्थापक। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में फिलहाल इतना ही।